1962 ते 2020 ये की फर्क महसूस कर रहे हो तुसी चीन और भारत दीआं फौजां दा? 40 साल का अंतर है जी। सन 62 दे विच उस टाइम दी गवर्नमेंट या पॉलिसीज़ दे मुताबक जी फौज जड़ी है वो बिल्कुल निगलैक्टेड सैक्टर सी। सर ये नाल फिर फौज दे जेड़े जवान से उन्होंने मनोबल ते फर्क नहीं सी पैंदा? मैनू याद है पंडित जी उदों श्रीलंका दे दौरे ते जा रहे सी जी, ते उन्होंने एयरपोर्ट दे उत्ते बयान दे दिता जी कि आई हैव ऑर्डर द आर्मी टू थ्रो आउट द चाइनीज़, चाइना नू इन्हां नू बॉर्डर तो पछाण तो खेल दिता जाए, इन्हां नू सुट दिता जाए विदाउट रियलाइजिंग कि फौज कड़ी है जिन्हें जिन्हें चाइना नू पिछे धकेलना। किसी राजनीतिक पार्टी के लीडर के बच्चे तुहाडी रेजिमेंट के विच एज ए जवान या एज ए ऑफिसर सी कोई? तुसी मैनू हिंदुस्तान के किसी नेता का नाम लै के दस दिओ जी जिहदा पुत्र तो छड्डो जिस नेता का कोई रिश्तेदार भी अगर फौज के विच है। चाइना नू किन्नी कु भाजड़ पाई, चीनी सैनिक की कह के कुरला रहे सी उदों? नहीं उन्हें आवाजा मारिया हिंदी चीनी भाई भाई जदों ठा ठा उन्होंने वजदियां सी? वो लड़ाई जिहड़ी है वो फौज की हारनी सी जी, वो जिहड़ी है वो साडी पोलिटिकल हार सी। NRI TV देख रहे दर्शकों का स्वागत है जी, तो मैं हर्षपाल सिंह। अच्ज भारत देश के मान सन्मान की गल करांगे, तिरंगे की शान की गल करांगे। ये तिरंगा जो झूल रहा है जिसते मान सन्मान के लिए साढ़े फौजी वीर फौजी जवान सरहदा ते तैनात साढ़े जवान शहादत दा जाम पीण तो बिल्कुल भी चकते नहीं, दुश्मन नू लोहे दे चने चबांदे ने। सो ऐसे ही हालात एक बार फिर बन गए ने, इस वारी हालात बने ने चीन दे नाल। 16 जून सोमवार दे रात नू पूर्वी लद्दाख की गल करिए तां उहदे गलवान खेत्र दे विच भारतीय ते चीनी फौजां दे विचकार एक खूनी झड़प हुंदी है, और उस खूनी झड़प दे दौरान साडी भारतीय फौज दे तकरीबन जो जानकारी है उहदे मुताबक 20 जवान जिहड़े ने उह शहादत दा जाम पींदे ने। और गल कीती जावे राजधानी दी तां राजधानी दे विच राजनीतिक ते कूटनीतिक पारा जिहड़ा उह हाई हो जांदा, पारा चढ़ जांदा। पर ये जिहड़े चीन नूं इस तो पहला भी 1962 दे विच भी साढ़े फौजी जवानों ने जिन्ना सबक सिखाया सी, लोहे दे चने चबाए सी, और 40 साल जिस चीन दे फौजियों की हिम्मत नहीं सी पई कि भारत की सरहद वल देख भी जान, आखिर उन्हां दी हुण हिम्मत किवें पै गई? और उस समय इस चीनी फौजियों नूं सबक सिखाउण वास्ते, उन्हां नूं नानी याद कराउण वास्ते, उन्हां दी चाढ़ी होई भाजी नूं 21 की जगह पर 51 के हिसाब न मोड़न वास्ते साढ़े ब्रिगेडियर साहब साढ़े नाल ने, जिहड़े उस समय 1962 तो लैके कई साल जिन्हां ने देश की सरहदों की राखी की। आप जी का बहुत बहुत स्वागत है जी, ब्रिगेडियर गुरदर्शन सिंह कालों। दर्शकों मेरे वालों सत श्री अकाल, जय हिंद, आदाब एंड माई ग्रीटिंग्स। ब्रिगेडियर साहब 1962 ते 2020 ये की फर्क महसूस कर रहे हो तुसी चीन और भारत दीआं फौजां दा? 40 साल का अंतर है जी। सन 62 दे विच उस टाइम दी गवर्नमेंट या पॉलिसीज़ दे मुताबक जी फौज जड़ी है वो बिल्कुल निगलैक्टेड सैक्टर सी जी। साढ़े उस टाइम दे प्रधानमंत्री उन्हां दा विचार सी कि असीं ते शांति दे दूत हाँ, पंचशिला दी पॉलिसी सी, पंचशील कि ना असीं किसे दे उत्ते हमला करना, ना साढ़े उत्ते किसे ने हमला करना। इस करके फौज ते सानूं सिर्फ बॉर्डर दे उत्ते पुलिसिंग वास्ते चाहीदी है। उहदा बहुत माड़ा असर होया फौज दे उत्ते, फौज की एक्सपेंशन बंद हो गई, कोई भी मॉडर्न इक्विपमेंट हथियार जड़े सी
वो बिल्कुल आने बंद हो गए। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा देश के अंदर और देश के बाहर भी सुनाई देन लगा जी। और साड़ी सरकार ने या साड़े लीडर्स ने यह सोच लिया कि हुण चीन साड़ा बड़ा अच्छा दोस्त बन गया। उन्होंने चीन की जड़ी बैकग्राउंड सी उन्होंने लीडर का जो अपब्रिंगिंग सी जिस तरीके दे नाल आए मौसी तंग उदों चीन दे लीडर सन उन्होंने ये नहीं देखा कि मौसे तंग जड़ा है वो किस तरीके दे नाल चीन का लीडर बनया उन्हें किन्नी लड़ाई लड़ी और उहदी जड़ी थिंकिंग का की तरीका जी उहदी जड़ी फिलोसफी सी वो अजे तक भी किताबों में दर्ज है जी। पावर फ्लोज थ्रू द बैरल ऑफ द गन। लेकिन साड़ी लीडरशिप जड़ी है उन्हें उहदा गौर नहीं किया। उस समय कौन सी सरकार सी जी? उदों पंडित नेहरू जी की सरकार सी पंडित जवाहर लाल जी नेहरू की सरकार सी। ठीक है। चीन ने जदों देखिया कि हुण भारतवर्ष की फौज जड़ी है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर हो चुकी है कुछ वो इस गल तो भी नाराज़ सन कि दलाई लामा नूं भारत दे विच शरण दी गई। ठीक है जी। उस चीज़ का भी उन्होंने गिला सी बॉर्डर वो सैटल नहीं सी करना चाहते। ठीक है। और जदों उन्होंने देखा कि ये हुण गोल्डन अपरचुनिटी है कि भारत शायद ये बाद हो सकता कोई दूसरा शासक आ जाए या किसी भी टाइम के उत्ते दोबारा रीआर्मिंग शुरू कर दें या अपने आप को मजबूत करना शुरू कर दें तो उन्हें उस मौके नूं एक्सप्लॉइट किया जी और उन्हें साडे देश के उत्ते हमला कर दिता। ठीक है। साड़ी फौज जड़ी सी वो गिणती दे विच बहुत घट सी। ठीक। और इन्होंने पंडित जी ने अनाउंस की कहते सी फॉरवर्ड पॉलिसी जी कि साड़ी फौज जड़ी है वो अगे तो अगे जा करके बॉर्डर के उत्ते तैनात होए। ठीक है। लेकिन उस फौज के पिछे एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर जी उन्होंने को हथियार की होणगे उन्होंने को इक्विपमेंट की होएगा उन्होंने उत्थे मेनटेन किस तरह करना जी 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 उन्होंने चीज़ों के उत्ते बिल्कुल गौर नहीं किया गया। सर ये फिर फौज के जो जवान से उन्होंने मनोबल से फर्क नहीं पैंदा? मनोबल के उत्ते जरूर फर्क पैंदा सी लेकिन मनोबल वर्सिज डिसिपलिन जो आ जाता है जी तो एक फौजी जरा मन के उत्ते डिसिपलिन जरा हावी हो जाता जी 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 वो कहता कि मनोबल तो ठीक है औकड़ा तो है ने तकलीफा भी है ने लेकिन फिर वह कहता कि मैनू तो हुक्म मिल गया जी कि मैं इतने रहना इनू डिफेंड करना ओके चाहे वह टेनेबल होए या ना होए वो फिर सैकेंडरी हो जाता। खतरा फिर कदों महसूस होया तो जी हरकत सी बॉडर से कदों शुरू हुई और तुसी फिर वो की तैयारी की? खतरा चीन दे नाल महसूस होया जी कि कुछ पार्लियामेंट के सवाल जदों आने शुरू हो गए क्योंकि जिथे जिथे भी साड़ी फौज ने जाने की कोशिश की अगे देखा कि चाइनीज़ उत्थे पहले ही है ने कुछ जगह पर उन्होंने मैकमोहन लाइन नूं क्रॉस करके अगे आके अपनी पोस्टा बना लिया जी। मैनू याद है पंडित जी उदों श्रीलंका के दौरे पर जा रहे सी जी तो उन्होंने एयरपोर्ट के उत्ते बयान दे दिता जी कि आई हैव ऑर्डर्ड द आर्मी टू थ्रो आउट द चाइनीज़ कि चाइना नूं इन्हां नूं बॉर्डर तो पिछा धकेल दिता जाए इन्हां नूं सुट दिता जाए। अच्छा जी। विदाउट रियलाइजिंग कि फौज कड़ी है जिन जी जड़ी ने जिन्हें चाइना नूं पिछे धकेलना जी जिथे साडा 10 बंदे ने उन्हां दा उत्थे 100 बंदा बैठा होया। ठीक है। साडे बंदे लोकां कोल सैकंड वर्ल्ड वार विंटेज दे हथियार सन ली इनफील्ड 303 बोल्ट एक्शन राइफल वो सैकंड वर्ल्ड वार दा 2-inch मोटर सैकंड वर्ल्ड वार दी LMG ते वो भी शॉर्टेज औजारा पक्षों भी असी मार खा रहे सी इक्विपमेंट कपड़े इतों तक के जड़ी क्लोथिंग सी वो भी पूरी नहीं सी जे किसी को बूट है तो जराब है नहीं जे किसी को जराब है तो बूट है नहीं। ठीक है। सो उन्हां चीज़ों किसी ने नहीं देखा। ठीक है। तो उन्होंने एज ए लीडर कह दिता कि मैं फौज को हुक्म देता कि चीन को बाहर कढ़ दिओ। जद जिहड़ी तुहाडी
जिन्हों तुसी कमांड कर रहे सी जिहदे ब्रिगेडियर सी जिस रेजिमेंट दे उहदे विच उस समय की जिहड़ी सरकार सी उहदे जिहड़े लीडर सी उहनां च भावनावां देशभगती नूं बहुत हुंदियां सी उहनां दे किन्ने बच्चे सी उहनां नेतावां दे किसी राजनीतिक पार्टी दे लीडर दे बच्चे तुहाडी रेजिमेंट दे विच एज़ ए जवान जां एज़ ए ऑफिसर सी कोई? मैं उस वक्त की गल नहीं, मैं तो कहना भी अज की भी गल कर लो जी जी, तुसी मैनू हिंदुस्तान के किसी नेता का नाँ लैके दस दौ जी जिहदा पुत्र तो छोड़ो जिस नेता का कोई रिश्तेदार भी अगर फौज के विच है जी तुहानू शायद ही कोई टमा टमा भी पंजाब दिल्ली तो हरियाणा इस इलाके दे शायद किसी लीडर का कोई चाचे ताए का पुत्र या कोई भरा भतीजा फौज के विच होवे, लेकिन बाकी कंट्री दे विच ये अज तक भी उही हालत जी जिहड़ा लीडर है वो समझदा कि फौज तो बड़ी घटिया चीज़ है, ये मेरा पुत्र क्यों जाए जी जी, जा मेरा रिश्तेदार जिहड़ा मैं एडा वड्डा लीडर बन गया, मैं लीडर बन गया कौम का नेता बन गया तो मेरा जिहड़ा रिश्तेदार है जा मेरा पुत भरा है वो कोई चंगा काम करे उन्हें फौज च ही जाना, तो अज तक भी तुसी देख लो तुसी मेरे नाल ज्यादा सियाणे हो, नहीं नहीं मैं तुसी मैनूं कोट कर दो कि हां जी फलाना लीडर है उहदा, मैं ते सर इस करके कहा कि मौजूदा हालात ते असीं देख रहे हैं जो पुरातन समा सी उस समय की सी कि जदों कोई जंग युद्ध हुंदी सी राजे महाराजे आप अगे होकर लड़ते सी, सेनापति लड़ते सी, उहनां दे बच्चे अगे होकर लगते सी, राजकुमार लड़दा सी, मतलब उदों लड़ाइयां दा ढंग ए सी। हुण जिहड़े साडे राजकुमार ने साडे राजे ने साडे जिहड़े सेनापति ने वो पिछे कमांड करते ने कमरे च बैठ के, मैं उहदी गल कर रहा कि देश भगती का सब तो ज़्यादा राग ये लाभदे ने ढोल ये वजाउंदे ने, लगता दुनिया नूं कि बार्डर के उत्ते ब्रिगेडियर साहब नहीं खड़े उत्थे, उन्हां नूं लगता कि राजनीतिक पार्टी वाले जिहड़े आप जाके गोलियां मार के आए तो चाइना नूं आप जाके आए। नहीं देखो ये साडे मुल्क की समझ लो बदकिस्मती है जी, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਚੰਗੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸਲੀ ਦੇਸ਼। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਏਅਰਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇਨਰੋਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਆਫਿਸਰ ਟ੍ਰੇਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਸ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਫੌਜ ਨੂੰ ਬੜਾ ਘਟੀਆ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਘਟੀਆ ਸਮਝਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਘਟੀਆ ਕਿਉਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਉਂ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਈਟ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਗ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੈਰੀਅਰ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਜਵਾਨ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ ਆਲ ਸਾਰੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਟਿਲ ਯੂ ਫੀਲ ਸੈਡ ਜੀ 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 ਜੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਚਲੋ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਆਪਾਂ ਸਰ 1962 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਫੌਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰ ਵੇਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੇਖੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮਨੋਬਲ, ਆਪਣੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਾਇਆ? ਮੈਂ ਦੱਸਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਟ ਰੈਜੀਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ ਜੀ, 5 ਜਾਟ ਮੇਰੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ 1962 ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਟਾਲੀਅਨ ਨੇ ਲੜੀ ਜੀ,
अज तुसी गलवान का सुन रहे हो जी जी, गलवान दे विच जिहड़ा एक्शन होया जी जी, मेरी बटालियन की अल्फा कंपनी जिहड़ी है वह उदों गलवान दे विच डिप्लॉयड सी जी, और साडे कंपनी कमांडर सन मेजर रजीत सिंह जी, उन्हां नूं उत्थे महावीर चक्रा भी मिलिया जी। एक मेरे दोस्त सन लैफ्टिनेंट गुजराल, उन्हां नूं वीर चक्रा भी मिलिया जी, और बाकी होर भी बटालियन नूं काफ़ी वो अवार्ड हासिल होए और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। किन्ने दिन जंग चली 1962 च? हाँ जी 1962 वाला जी चाइना के नाल जी साड़ी ये लड़ाई सी, वो किन्ने समय के कितना समा तुहानू लगा नू लड़न लग्या और जितन लग्या? वो लड़ाई जी है वो 28 दिन चली। असी वो जीती सी कि समझौता होया पिछे हटे? जितने वाली तो गल नहीं। अच्छा जी, ये बड़ी एक करारी हार सी देश के वास्ते। ठीक है, फौज बड़ी बहादुरी नाल लड़ी, फौज की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी सी, पूरी दुनिया ने प्रेज किया कि हिंदुस्तान की फौज जड़ी है वन ऑफ द फाइनेस्ट आर्मीज जी। लेकिन जिस तरह वो कहते ना, शाह मुहम्मद ने लिखा सी कि शाह मुहम्मद एक सरकार बाजों फौजां जित के अंत नू हारियां ने। क्या बात, वो लड़ाई जड़ी है वो फौज की हार नहीं सी जी, वो जड़ी है वो साड़ी पोलिटिकल हार सी। फौज वाज ओनली ए विक्टिम। अच्छा, फौज तो क्योंकि बाई ऑर्डर उन्हों खड़ा कर दिता है, एंड देवर दी विक्टिम्स, उन्होंने हुक्म के मुताबिक वो उत्थे लड़े, खड़े रहे, लड़े, शहीद होए या जख्मी हो गए। जो हुक्म मिलया कि अच्छा जो कोई पोजिशन अनटेनेबल होगी तो बचे खुचे जड़े से उन्होंने कहा भी ठीक है तुम पिछे आ जाओ, इस पोस्ट पर आ जाओ जी, तो उदो पिछे आ गए। और इस तरीके पूरी वो लड़ाई जी खत्म। चाइना कि भाजड़ पाई, चीनी सैनिक की कह के कुरला रहे सी उदों? नहीं उन्होंने आवाजा मारिया हिंदी चीनी भाई भाई जो ठा ठा उन्होंने वजदिया सी? देखो ये जड़े नारे ने ना ये सिर्फ पोलिटिकल होंगे ना, हिंदी जो बंदा हिंदी चीनी भाई भाई कहेगा हाँ वो गोली नहीं फायर करेगा। अच्छा, या वो अटैक नहीं करेगा जी 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 जी। और सन बाढ़ तो मैं थोड़ा दस दया कि सन बाढ़ की लड़ाई जी सी वो एक तरफा लड़ाई सी जी जी, उस हर एक जगह चीन अटैक कर रहा सी। असी अपनी मोबिलिटी के मुताबिक जिन्ना भी असी कोशिश कर रहे सी कि उन्होंने डिफेंड करिए वो खिलाफ जी, तो जदों देखा पे अनटेनेबल हो गई है। हुण जिस तरह तुसी रजांगला की लड़ाई मेजर शैतान सिंह नू पीवीसी मिलिया जी, वो तुसी पढ़िया होगा कि उतों एक भी बंदा वापस नहीं आया जी, 100% वो पूरी कंपनी जी सी उत्थे ही लड़के मर गई जी जी जी। साढ़े ऐसे गलवान के भी साढ़िया 62 कैजुअलिटीज हो गई जी, मसा ही 15 या 20 बंदे जड़े सी वो जदों फिर हुक्म मिलया कि नहीं हुण बिल्कुल तुसी वापस आ जाओ सब कुछ छड़ के, तो मसा 15-20 वापस आए, बाकी सारे 1962 दे विच। 1962 दे विच जी जी, so, मतलब उदो चीन ही चीनी सैनिक ही हैवी रहे उदो। सो एक तरफा लड़ाई सी। अच्छा, यही सी कि चीन ने हमला करना और तुसी उत्थे डट के लड़ना और शहीद होना। अच्छा, फायर खोलण की भी एक इस तरह की आवाज़ आती कि तुहानू पहला फायर दे भी जड़े ना खोलण दे हुक्म उहदा भी इंतजार करना पैंदा, वो की सीन है जी, वो की अल्फाज है, ये वाकया की है? देखो फायर जड़ा है वो नॉर्मल हालत दे विच हमेशा फायर कंट्रोल जड़ा वो काफ़ी हाई लैवल दे उत्ते हुंदा जी, नैशनल लैवल के उत्ते भी होंगे कि नहीं बॉर्डर के उत्ते प्रोवोकेशन नहीं होनी चाहिए जी जी जी, वो बाद लोकल जोड़े कमांडर्स ने जी वो भी कोई ये नहीं कह सकता भी जोड़ा मर्जी जवान उठे तो गोली फायर कर दे जी। फायर कंट्रोल एंड ऑर्डर टू फायर जी, ये जोड़ा ये किसी अधिकारी किसी अफसर न अधिकार है जी कि वो जवानों फायर का हुक्म दे दे जी। ठीक है ना, तो सर 1962 के भारतीय फौज ने जिद जाट रेजिमेंट जिस ब्रिगेडियर से कमांड कर रहे थे, ये जी करारा जवाब असी चाइना ना लड़ाई तो लड़ी ना, फाइट तो असी लड़ी है ठोके, कोई शक है वो गल अलग है कि राजनीतिक हार हुई है फौज की भावें उदो हार नहीं हुई, पर यह लड़ाई उस समय जिदा असी दस रहे तुसी कह रहे थे कि हथियार साढ़े को वैसे ही नहीं सी, लेकिन जिगरा जेड़ा जी जिगरा जिस जिगरे ना लड़ाई लड़ी है तो मैं ये कहवा कि लड़ाई हथियारा ना लड़ी गई कि फिर जिगरे ना लड़ी गई उदो? देखो लड़ाई जड़ी लड़ी जाती है वो इन्ह दोनों चीज़ों के कंबीनेशन नाल लड़ी जाती है जी। जे मैं एक होर कोट तुहानू दसा जी क
कि इट इज़ नॉट ओनली द गन बट द मैन बिहाइंड द गन विच मैटर्स. बिल्कुल कि गन तो है भाई, जे गन के बगैर तो वह बिल्कुल निहत्था है. लेकिन एक घटिया सोल्जर या एक डरपोक सोल्जर तुसी बेस्ट वैपन दे दो, वो फिर भी परफॉर्म नहीं कर सकता. जिन्ना चर वो मोटीवेटेड नहीं, जिन्ना चर वो गट्स नहीं, वो जोश नहीं, उन्ना चर वो लड़ेगा नहीं. शायद यही कारण है कि मनमोहन वारिस ने कहा कि पिस्टल तो मिल बाजारों, जिगरे ना मिलते. जिगरे ना मिलते, ठीक है. बिल्कुल सही कह रहे हो. इट इज़ द मैन बिहाइंड द गन. जी जी जी, दैट मैटर्स. अच्छा, उहदियां कुछ यादां फिर दिमाग च रहिंदियां जी 1962 वालियां, कि सानू अगर उस समय जे भारतीय हकूमत कुछ यह चीज़ा दे दिंदी, कोई गिला रंज हैगा कि अज चाइना नू जां इतिहास दे विच जो 1962 दी जंग सी उहदा इतिहास कुछ होर होणा सी. देखो, बड़ियां डिसअपॉइंटमेंट सन. मैं जिस तरह दस्या जी जी कि साडी उहदा इह हालत सी कि जे किसे कोल जराबां ने ते बूट है नहीं जी, जे वो को जर्सी है तो कोट परका है नहीं. ओहो, इतों तक के मैं सन 64 तक लद्दाख दे विच रहा जी, और पूरा टाइम टेंट दे विच जी, विंटर इनकलूडिंग विंटर. ठीक है जी. ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ PWD ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਜੀ 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 ਜੀ. ਅਸੀਂ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਫਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਟੈਂਟ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਬੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੱਟ ਛੱਡਿਆ. ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਰਾਕ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰ ਔਰ ਖੁਰਾਕ ਦੋਨੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਜਵਾਨ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਖੁਰਾਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ? ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ज़्यादा फौज जड़ी सी, क्योंकि है ही थोड़ी सी, साडा एक ब्रिगेड सी वन उस टाइम के उत्ते पूरे लद्दाख दे विच, ते बाकी डिवीजन पिछे लेह दे विच सी जी. साडियां पोस्टां सारियां जड़ियां सी वो एयर मेनटेन्ड सन जी. जिस तरह साडा बटालियन हैडक्वार्टर दरबुक दे विच सी जी, ते दरबुक दे विच ड्रॉपिंग जोन सी, DZ उहनूं कहिंदे ने जी जी, ते उत्थे AN-12 जिहड़े ने उह हवाई जहाज़ आउंदे सी, ते पैराशूट दे नाल राशन थले सुट जांदे सी जी, ते असीं उह इकट्ठा करके जिहड़ा है उह राशन सानूं मिलदा सी जी. ते अपनी टोटल रेजिमेंट दे विच जी कुल किन्ने जवान सी, ते किन्हां नूं शहादत दा जाम पीना पै गया? देखो, एक बटालियन दी स्ट्रेंथ जिहड़ी है उह तकरीबन 750 दे करीब हुंदी है जी, ते साडियां तकरीबन 62 दे विच 80-90 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਮਰੇ ਸਨ ਜੀ 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 ਜੀ, ਔਰ 20-22 ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਆਫ ਵਾਰ ਹੋਏ, ਚੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੈਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ. ਅੱਛਾ ਜੀ. ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ. ਚੀਨ ਦਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੀਨੀ ਸੈਨਿਕ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਰੇ, ਉਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਚੀਨ ਦਾ? ਚੀਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ. ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹਥਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਟਿਕ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਮਿੰਗ ਵੇਵ ਆਫਟਰ ਵੇਵ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਆਉਂਦੀ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਵ ਆਈ, ਦੂਸਰੀ ਆਈ, ਤੀਸਰੀ ਆਈ ਜੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੇਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰ ਗਏ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਵੇਵ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਈ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਈ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਹਾਂ, ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੈਜੂਅਲਟੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਮਰ ਜਾਣੇ, ਚਾਹੇ 100 ਮਰ ਜਾਣੇ. ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਤੀ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ ਅਸੀਂ 1962 'ਚ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਜਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੱਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਨਫ਼ਰੀ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 1962 ਦੀ ਜੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਲਾਇਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਘਾਟ ਹੈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ? ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਾਂ ਈਵਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ. ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ. ਉਹ ਜੋ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ.
टीवी उस हिसाब नाल जो लीडर कहंदे ने वो चलदा टीवी गुरु है। सो गोदी मीडिया जो दिखा रहा है दुनिया देख रही है असर भी कर रही है और उन्होंने ही सच मान रही है। सो इस साढ़े नाल ब्रिगेडियर गुरदर्शन सिंह जी कालों साहब जिन्ह ने 1962 की जंग की कमांड की सी और जो अपने हथी किया है जो अखी डिठा है जो तन ते हंडाया वो सारे का सारा जिहड़ा वाक्य है वो आप जी ने सुनाया आप जी ने दसिया है। ये कोई कथा कहानी नहीं सुनाई किसी किताबी कहानी की गल नहीं कर रहे असी ये हकीकत दसी है हकीकत। और उत्थे चार साल इन्होंने और इन्हां दे नाल दी जिहड़ी योध्यां दी टीम सी उन्होंने उत्थे कढ़े ने। सो बहुत सारिया ऐसिया सच्चाइया जिहड़ियां इतिहास के पन्नियां दे विच लुको के रखिया हुई ने और साडे चैनल के जरिए उम्मीद है कि एक नवा सुनेहा जिहड़ा उन्हां दर्शकों जाऊगा और उन्हां लोगों भी जाएगा जिहड़े कह रहे कि असी 1965 भी जीती सी और चाइना दू टिचरां करते हैं और उन्होंने पता लग जाएगा कि हालात की सी और उस समय के जिहड़े प्रधानमंत्री सीगे वो अपनी फौज की बली किवें दे गए सी किस तरीके का नुकसान करवा रहे सी। सो बहुत बहुत ब्रिगेडियर सर आप जी का धन्यवाद बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद।